सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो फ्रेंड्स, ओबुलेशन आपको ट्रैक करना काफी जरूरी है। ओबुलेशन को जब ट्रैक करेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। ओबुलेशन एक ऐसा फेज होता है, ओबुलेशन एक ऐसा समय होता है जब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होकर आपके फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर ये चांस आपने जो है इस चांस को आपने खो दिया तो आपको फिर से अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये महीने में केवल एक बार ही ओबुलेशन होता है। ओबुलेशन आपका बार बार नहीं होता है। ओबुलेशन जब आपका पीरियड आता है उस समय छोटे छोटे फॉलिकल मिलके एक अंडे का निर्माण करते हैं और ये अंडा धीरे धीरे बड़ा होके परिपक्व होता है और परिपक्व होके और यही अंडा ओवुलेशन जब होता है तो यही अंडा बाहर निकलता है। जब ये अंडा बाहर निकलता है इसी को होने की प्रक्रिया बोलते हैं और इसी को अंडा निकलने की भी प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये महीने में केवल हर महीने केवल एक महिला को केवल एक बार ये चांस मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस चीज को आपको समझना जानना काफी जरूरी है कि आखिर आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, कब ओवुलेशन की प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो ओवुलेशन को ट्रैक करोगे तो ओवुलेशन आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहते हो तो मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आओ और उसको लेकर आने के बाद आप ओवुलेशन किट के माध्यम से उसको ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, आप अपने बॉडी को देख के ये अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि अब आप प्रेगनेंट हो गए हो। वैसे ही जब ओवुलेशन होगा तो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब आपके बॉडी के अंदर ओवुलेशन हो रहा है, अब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया चल रही है, अब आपके अंदर जो अंडा है वो निकलने वाला है और इस समय आपको कॉन्टेक्ट में रहना काफी जरूरी है। तो सक्सेसफुल ओवुलेशन के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जब सक्सेसफुल ओवुलेशन होगा और ये लक्षण अगर आने की अब जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि आपका ओवुलेशन अब स्टार्ट हो गया है, ओवुलेशन होने वाला है। अब कभी भी आपके ओवरी से अंडा रिलीज हो जाएगा, अंडा निकल के बाहर आ जाएगा। सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है फ्रेंड्स, म्यूकस। म्यूकस का निकलना काफी जरूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर ये म्यूकस नहीं बन रहा है, बिल्कुल चिपचिपा फिसलन वाला आपको डिस्चार्ज निकलता है, स्ट्रेचनुमा डिस्चार्ज निकलता है, अगर ये डिस्चार्ज नहीं निकलेगा तो समझो कि आपके जो वजाइना है उसका पीएच लेवल बिल्कुल गड़बड़ है, उसमें पीएच लेवल बिल्कुल बेकार है और आप इस पीएच लेवल से बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि म्यूकस का निकलना काफी जरूरी है। यही म्यूकस, यही डिस्चार्ज आप जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो उस समय काम करता है और आप जो आप मेल का सेल्स होता है उसको ऊपर पहुंचाने में यही डिस्चार्ज काम करता है। इसीलिए इस डिस्चार्ज का निकलना काफी जरूरी है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन वाला निकलेगा और चिपचिपा निकलेगा, बिल्कुल वाटरी निकलेगा। उसमें जब स्ट्रेच करोगे उसमें जो है एक तार की चाशनी की तरह और अंडे का व्हाइट पार्ट की तरह उसमें बिल्कुल ही स्ट्रेच होगा और ये जब निकलेगा तो ये भारी मात्रा में निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, कम नहीं निकलता है। जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय उसके एक दिन पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर जो आपका डिस्चार्ज है उसमें बढ़ोतरी आपको महसूस होने लगेगी। जब आपका पीरियड खत्म हुआ था उस समय आपका जो डिस्चार्ज है थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद जब ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो ये डिस्चार्ज फिसलन वाले डिस्चार्ज आपके अंदर काफी निकलने लगेंगे। तो अगर आपको फिसलन भरी डिस्चार्ज निकल रहे हैं तो समझो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आपको ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर ऐसा आपको महसूस होगा कि बिल्कुल आपको हैप्पीनेस फील होने लगेगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़त हो जाती है, उसके साथ साथ आपके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच हार्मोन की बढ़त हो जाती है। जब एलएच हार्मोन बढ़ेगा तो ही आपके ओवरी से अंडा रिलीज होगा। जब एलएच हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपका अंडा ठीक से बाहर नहीं निकलेगा, ना तो निकलेगा ना तो फर्टिलाइज होगा। तो यहाँ पे एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काफी जो है अहम रोल होता है, अहम भूमिका होता है। इसीलिए आपको आपने देखा होगा कि आपको डॉक्टर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की टेबलेट भी देती है कि आपको इस टाइम पे एक से दो दिन तीन दिन आपको उस मेडिसिन को खाने रहते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काफी ज्यादा जो है इसमें भूमिका रहता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम नहीं होने दीजिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो उस समय किन किन चीजों
को आपको खाने चाहिए, तो उन चीजों को आप खाओगे तो ये आपका एलएच हार्मोन बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की बढ़त हो जाती है। इसकी वजह से आपकी मूड बिल्कुल हैप्पी हो जाती है और आपका सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर आपके अंदर मूड बिल्कुल आपको हैप्पी हैप्पी महसूस हो रहा है, बेवजह आपको हैप्पीनेस खुशी महसूस हो रही है अंदर से अंदर ही अंदर, उसके बाद आपके अंदर आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जा रही है, इंटरकोर्स करने का आपको काफी जो है अंदर से मन कर रहा है, तो समझो कि आपका ओवुलेशन अब होने वाला है, अब आपको आप अब ओवुलेट करने वाले हो। चौथा जो सिम्टम्स आपको महसूस होगा वो महसूस होगा आपके जो पेट है, पेट के दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट, दोनों साइड में से किसी एक साइड में पेन होगा, क्योंकि एक महिला में दो ओवरी होते हैं लेफ्ट और राइट, और एक ओवरी से एक महीने में केवल एक अंडा रिलीज होता है, दोनों ओवरी से दो अंडे रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि आपके जो फॉलिकल है केवल एक ही अंडा को जो है तैयार करते हैं, एक ही अंडा बनाते हैं, तो एक ओवरी से एक ही अंडा रिलीज होगा, तो जो ओवरी से जिस लेफ्ट ओवरी से आपका अंडा रिलीज हुआ होने वाला रहेगा तो वहां पे दर्द होगा, राइट ओवरी से होगा तो राइट ओवरी में पेन होगा, तो यानी कि आपको लेफ्ट या राइट कहीं भी पेन हो रहा है और आपके ओवुलेशन के टाइम पे, तो समझो कि आपको ओवुलेशन होने वाले हैं। आपको पांचवा जो सिम्टम्स महसूस होगा, आपकी जो अस्तने हैं बिल्कुल संवेदनशील हो जाएंगी, आपके अस्तनों में कभी कभी कितनी महिलाओं के अस्तनों में पेन भी होने लगता है, तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है ओवुलेशन के लक्षण ही होते हैं तो समझो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन आपका जिस दिन पीरियड आया है यानी 1 तारीख को आपका पीरियड आया है तो 1 तारीख से लेकर 14वें दिन बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अगर 30 तारीख का आपका जो है पीरियड की साइकिल 30 डेज की है तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के हिसाब से 16वें दिन जिस दिन पीरियड आया है, 1 तारीख को पीरियड आया है तो आपके पीरियड के डेट से 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। दूसरा बात आपको ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि ये जो ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन यानी कि मैंने आपको बताया 14 तारीख को ओवुलेशन हो जाएगा, तो आपको इसको 13, 14, 15 तीन दिन मान के चलने हैं। इन 3 दिनों में कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है, हो सकता है कि आपका ओवुलेशन 14 तारीख को रात में हो, 13 तारीख को रात में हो जाए, 15 तारीख को रात में हो जाए, 15 तारीख को सुबह में हो जाए, तो इस चीज को आपको समझना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, लेकिन 3 डेज आपको मान के चलने हैं कि 3 डेज में आपका ओवुलेशन कभी भी हो जाएगा। तो इसमें आपको करने क्या है कि आपको अपने पीरियड के डेट्स के हिसाब से 10वें 11वें दिन के बाद से आपको कॉन्टेक्ट बिल्कुल अल्टरनेट डेज पे रखने हैं, अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट रखोगे तो इसको इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स आपको जो पार्टनर है उसका सेल्स आपके अंदर पहले से ही मौजूद रहेगा और अंडा रिलीज होकर बाहर आएगा, बाहर आने के बाद जब फीमेल ट्यूब में जाएगा तो वहां पे स्पर्म मौजूद रहेगा तो उसको फर्टिलाइज तुरंत कर लेगा, स्पर्म मौजूद नहीं रहेगा तो अंडे की केवल सेल्फ लाइफ 12 घंटे ही होती है, तो 12 घंटे में आपको कॉन्टेक्ट रख लेना है। अब बात करते हैं दूसरा जो चीज है वो आप जो है प्रेगनेंसी जो ओवुलेशन किट है उससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। इसे टेस्ट करने के लिए आप शाम के वक्त आप ओवुलेशन जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो वैसे ही ओवुलेशन किट से ओवुलेशन को भी टेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें 4-5 पट्टियां दी रहती हैं, उसमें आप डेली 1 पट्टी से यूरिन उसमें डालो और जिस दिन हल्की लाइन भी आती है तो समझ लो कि आपका ओवुलेशन उस दिन होने वाला है, उस दिन फटाक से आप कॉन्टेक्ट में रह जाओ, क्योंकि जो अंडा होता है उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और आपके मेल की सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। आई होप फ्रेंड्स की ये वीडियो आपके कुछ काम लायक होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 1 थम्सअप जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो डियर, तो आप लोग लाइक किया करो, लाइक करने और कमेंट करने में बिल्कुल भी